Hello, students. Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is the revision of our second term examinations. As we all know, the syllabus of our second term exam was over now, and this is the time.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है तो अब समय है उसके रिवीजन का क्योंकि हम जितने अच्छे से रिवीजन करेंगे हम उतने अच्छे से हमारी चीजें और समझ में आएंगे राइट right? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड टर्म के सिलेबस का रिवीजन जो कि चैप्टर एट से लेके चैप्टर इलेवन तक है शुरुआत करेंगे चैप्टर एट कार्ट एंड व्हील से इन दिस chapter we learn a different methods of making a circle right and we also learn about the correct method of drawing a circle with the help of compass and with the help of compass we also learn to draw different designs right so initially we have seen some circles in our daily life for examples red green and yellow traffic lights we can see the circles the circles can be seen in the different tires of vehicles right and there are different size of circles we will see or we used to see in our daily life किचन चपातीज आर इन अर्कल से राइट एंड द पॉटर हैव अ सर्कल शेप्ड पॉट मेकर राइट रोजमर्रा की जिंदगी में हम गोल सर्कल को बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है हर प्रकार के टायर छोटे बड़े नीचे सबसे गोल होते हैं घर में जो रोटी बनती है वो गोल होती है और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें हम जरूरत अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो गोल होती है एंड वी कैन यूज अ डिफरेंट साइज ऑफ बैंगल्स टू ड्रॉ अ सर्कल एक सर्कल बनाने के लिए हम अपने बैंगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और न सिर्फ बैंगल का बल्कि जो भी चीज गोल शेप में हो हम उसकी मदद से सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं राइट right? अब आपको तीन सर्कल्स दिए हैं आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सर्कल ए बी या सी किससे बड़ा सर्कल बनेगा और किससे छोटा सर्कल बनेगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या ये क्वेश्चन है कि बैंगल्स के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप सर्कल बना सकते हो फिर इसमें कुछ गेम्स के बारे में बताया है, हमने सीखा कि अलग अलग प्रकार के गेम्स है जिसे हम सर्कल की मदद से खेलते हैं यानी कि सर्कल जो है हमारे गेम्स में भी हमसे जुड़ा हुआ है। और किस प्रकार से जुड़ा हुआ है अलग अलग खेल के साथ हमारे को देखने को मिलता है फिर यहाँ पर किस प्रकार एक सर्कल बनाते हैं ये कुछ तीन बच्चे हैं आपस में खेल रहे हैं और स्टिक की मदद से नीचे ग्राउंड में सर्कल बना रहे हैं अब किसकी ड्राइंग अच्छी होगी उसका सर्कल अच्छा बन जाएगा और जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी तो उसका सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा राइट तो अब सर्कल बनाने के लिए अगर हमारे पास कंपस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं और या फिर हमें कहीं बड़ा सर्कल बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है हमने इस मेथड से सीखा हम इसमें क्या करा कि हमने एक रोप ली एक रस्सी ली और उसके एक एंड पे एक कील लगा दी और दूसरे एंड पे एक दूसरी कील लगा दी यहां कील की जगह आप कुछ विस्टिक लगा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं फिर एक बच्चा एक एंड को पकड़ के होल्ड करके खड़ा रहेगा और दूसरा बच्चा अपनी जो रस्सी है उसे बिल्कुल खींच के रखेगा टाइट उसे लूज नहीं करेगा बिल्कुल टाइट रखेंगे और एक सर्कल बनाते चले जाएंगे तो आपका एक सर्कल बिल्कुल करेक्ट साइज का सर्कल बन जाएगा और ये ये जो सर्कल है ये छोटा या बड़ा किस पर डिपेंड करेगा इस रस्सी पर जो आप रस्सी जितनी बड़ी लेंगे उससे उतना बड़ा सर्कल बनेगा जो रस्सी छोटी होगी उससे उतना छोटा सर्कल बनेगा राइट तो अब सबसे मजेदार एक नई चीज सीखने वाली जो है जो ये जो सेंटर से जहां पर आपने कील लगाई है और जहां से आप सर्कल बना रहे हैं इस सेंटर से वो जो रस्सी की लंबाई है यानी कि आपकी ठीक है ना उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल तो कहता है कि सर्कल का जो रेडियस है इज द रेडियस व्हिच इज इक्वल टू द वेरी गुड लेंथ ऑफ द रोप टू यूज टू मेक अ सर्कल इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इस लड़की के पास एट मीटर की रोप है कितने मीटर्स की एट मीटर्स की तो ये सर्किल का रेडियस कितना होगा कितना मीटर एट मीटर अगर इसके पास रोप फोर मीटर है तो रेडियस हो गया फोर मीटर फाइव मीटर है तो रेडियस हो गया फाइव मीटर राइट तो रेडियस कौन सी चीज हो गई वो रोप की लंबाई जो आपने सेंटर से लेकर उस सर्कल बनाने के लिए यूज करी दैट इज कॉल्ड रे डी एस राइट है, वट वॉज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल और आप अलग अलग सर्कल्स को अगर आप लंबाई की रोप होगी तो उससे आपके अलग अलग सर्कल्स बन जाएंगे फिर उसने पूछा आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल इस सर्कल का रेडियस बनाइए तो वो जो रेडियस है ना आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप उसे खींचेंगे तो वो बराबर आएगा ये सारी डायरेक्शन में वो जो है बराबर आएगा राइट right? तो आप कहीं भी स्केल नाप कर उसको कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आप दो सर्कल्स ड्रॉ करिए जिसका एक का रेडियस फाइव सेंटीमीटर है दूसरे का सिक्स सेंटीमीटर है तो आपको वो रेडियस ड्रॉ करके वो रेडियस के बराबर सर्कल ड्रॉ करने को पूछे जा सकते हैं right? राइट ऐसे ही यहां पर दिए हैं उनके आपसे रेडियस पूछे हैं अब कहता है मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ बाइसिकल और कैन यू सी यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप अब अलग अलग आपको एक्टिविटी दी है कि आप इसका देखिए उसका देखिए आप अलग से नापिए और अगर आपके पास इतना बड़ा स्केल नहीं है तो आप रोप से भी मदद से भी आप उसको नाप सकते हैं नेक्स्ट कहता है कि जो बाइसिकल है उसके और बुलक कार्ड है उन सबके सेम साइज के रेडियस होते हैं व्हील्स के बिल्कुल बाइसिकल और बुलक कार्ड के तो सेम साइज होते हैं क्या ट्रैक्टर के भी सेम होते हैं या रोडर रोलर के नहीं उनके सेम नहीं होते किसके बड़े होते हैं ये सब चीजें जो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं फिर ये काली और लाली है इनमें क्या है कि भाई रस्सियां बांधी है अलग अलग अब काली की लाल जो रस्सी है वो लंबी है और लाली की रस्सी छोटी है राइट तो कौन ज्यादा घास खाएगी डेफिनेटली जिसकी रस्सी ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक चली जाएगी और ज्यादा घास खा लेगी अब आया मेन जो मजेदार पार्ट है इस चैप्टर का वो ये है कि आप सर्कल की मदद से अलग अलग तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कोई भी एक सुंदर सा ट्री बना दीजिए तो आप ऐसा बना सकते हैं या कुछ और आपसे बनाने को कहा जा सकता है आप सर्कल की मदद से वो बनाएंगे राइट और उसे कलरफुल भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कोई डिजाइन दिया जा सकता है आपको कि इस तरह का डिजाइन आपको बताया है कि कैसे बनेगा बताया भी है ना क्लास में तो एग्जैक्टली exactly, आपने क्या करा एक बड़ा सर्कल बनाया ठीक है उसके रेडियस से इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया ठीक है उसके बाद इसके सेंटर में इसके रेडियस का सेंटर में लिया इस हर एक के जो चार हमने रेडियस बनाए इनके सेंटर में एक डॉट लगा दिया फिर उसके बराबर का एक सर्कल हमने बना दिया अब जो उसके सेंटर में डॉट लगा है वहाँ से लेके उस रेडियस तक का एक सर्कल बनाते चले गए तो आपके पास ये डिज़ाइन बनकर आ जाएगा ये कंपास की मदद से होगा अब कंपास क्या होता है हमने आपको पहले भी देखा था यह है कंपास, राइट ये जो होल है इसमें हमारी पेंसिल फिट होती है और ये हमारा पॉइंट है जो हमारे को बताता है कि कहां पर हमारे इस सर्कल का सेंटर आया है ये हो गई आपकी दो रोप समझ लीजिए अब इनको ठीक है ना एक रोप है और उसके दोनों तरफ कील लगा दी है अब हम जिसे इसे जितना दूर करेंगे ये उतना दूर हो जाएगा उतनी बड़ी सर्कल ये बना देगा अब जो जितना भी मड़ा खोलेंगे ना आप इसका ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक ये होगा रेडियस ये क्या होगा सर्कल का रेडियस राइट अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्केल स्केल में रख के अगर मान लेते हैं हमने दिया है फाइव सेंटीमीटर का हमारे को एक सर्कल ड्रॉ करना है कितने सेंटीमीटर का फाइव अब हमने कहा था हमें फाइव सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचना है फाइव सेंटीमीटर रेडियस का तब तो हम क्या करेंगे इसे फाइव नापेंगे फाइव को नापने के लिए हमने क्या करा कि एक जो एंड है इसका वो फाइव पे रख दिया और जो पेंसिल का एंड है वो हमारा जीरो पर आना चाहिए राइट right? जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं ठीक है अभी हमारा फाइव सेंटीमीटर का रेडियस हो गया अब इसके बाद हम इसको कहीं भी रख के सर्कल ड्रॉ कर देंगे राइट तो आपसे कंपस से भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है और इस तरह के डिजाइन पूछे जा सकते हैं और यहां पर हमें कंपस को यूज करना बताया है ठीक है ना दिस मार्क और जो हमने बताया कि जो ये वाला एंड है इस मार्क से क्या बनेगा वो क्या होगा हमारा सर्कल का सेंटर होगा सर्कल का सेंटर चलिए ये वाला डिजाइन हम बनाकर देखते हैं अपने इस तरफ सबसे पहले हमने क्या करा इस पर कंपास रख के इसको गोल एक सर्कल आराम से हमने बना लिया बन गया सर्कल राइट अब हमारे पास क्या आया ये जहां पर ये रखा था ये आ गई हमारे पास एक सेंटर आ गया इसका अभी सेंटर पर हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे राइट right, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये सेंटर पर मार्क कर दिया अब हमारे को डिजाइन तो बनाना है ऐसा लेकिन ये तो कुछ और बन रहा है अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है इसको स्केल से नापेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे किसका सेंटर इस वाली और इस वाली लाइन का सेंटर हम निकाल लेंगे यहां कहीं वो होना चाहिए चलिए देखते हैं कहां पर है उसको नापने के लिए हम क्या किसकी हेल्प लेंगे स्केल की और जब हम स्केल रखते हैं तो हमारे को यह दिखाई देता है कि लगभग टू सेंटीमीटर का है यानी कि वन सेंटीमीटर के बाद हमारा यहां पर एक डॉट लग जाएगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly मैंने लगाया हुआ भी है राइट right? तो यह है हमारा इसका सेंटर किसका सेंटर इस रेडियस का सेंटर है राइट right? अब हम क्या करेंगे एक सर्कल इस पर रखकर बना देंगे वो कितने रेडियस का होगा अब इसके आधे का राइट इस रेडियस के हाफ का हम एक सर्कल यहां पर बना देंगे जो कि इसको भी टच करे और इस लाइन को भी टच करके जाए अब हम इस सेंटर पे कंपास रखकर इसको सर्कल बनाएंगे राइट कहां पर इस सेंटर पे हमने जो निकाला है अभी इस सेंटर पे हम अपने कंपास को रख के एक सर्कल बना देंगे राइट right. हम इसको यहां से पहले एक सर्कल ये बनाया ठीक है ना ये बन गया अब इसके सेंटर पे इधर वाले रेडियस के सेंटर पे रख के यहां से इधर को घुमा के इसको ऐसे करके ले आए राइट right. तो हमारी शेप कुछ इस तरह की आ जाएगी राइट right. अब हम जो ये लाइन्स है इस रेडियस है, उसे इरेज कर देंगे तो देखिए आपकी दोनों सेम शेप हो गई राइट right? तो ये है कंपस को यूज करने का तरीका इट इज इट सर्कल है अब एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा जो है रवि वो सर्कल बना रहा है कंपस की मदद से लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उसका ध्यान हट गया और कंपस स्लिप हो गया दूसरी जगह पे पहले यहां से बना रहे थे फिर यहां से बना रहे थे तो क्या होगा अब सर्कल कंप्लीट नहीं होगा इसका कहने का मतलब क्या है जो समझने वाली बात है कि या तो कई बार पेंसिल स्लिप हो जाती है कि या कभी जो है, वो स्लिप हो जाता है तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपका सेंटर एक सर्किल का जो सेंटर है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता अगर हमारे एक से ज्यादा सर्कल सेंटर्स होंगे सर्कल के तो वो सर्कल बनेगा ही नहीं राइट तो यानी कि हर एक सर्कल का एक सेंटर जरूर होता है और एक से ज्यादा सेंटर अगर होंगे तो सर्कल नहीं बनेगा अब सर्कल कैसे पता करें अगर हम कंपस की हेल्प से बना रहे हैं फिर तो हमारे को सर्कल अपने आप सेंटर उसका पता चल जाता है क्योंकि कंपस का जो पॉइंट होता है वो ये अपना निशान छोड़ देता है उससे तो हम सेंटर बना लेंगे लेकिन अगर हम किसी बैंगल से या किसी कॉइन से सर्कल बना रहे हैं तो उसको सर्क, सेंटर ढूंढने का क्या तरीका है कि पहले हम उस सर्कल को हाफ मोड़ लेंगे क्या मोड़ेंगे हाफ मोड़ेंगे यानी कि यहां से काट के इसके ऊपर लगा देंगे उसके बाद इसे क्वार्टर मोड़ देंगे इधर से भी हम मोड़ देंगे तो जो अब आप सेंटर आएगा अब देखिए कैसे फिर हम इसको ऐसे करके भी मोड़ देंगे क्योंकि तब तो वो ऐसी फिक्चर आएगी ना हमारे पास जब इसे ऐसे मोड़ेंगे तो अब हम इसको यहां से भी इधर से भी नीचे को मोड़ देंगे तो अब हमारे पास एक क्वार्टर दिखाई देगा तो अब ये जब आप इसको दोबारा पेपर को खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये लाइन आपको दिखाई देंगी जैसे कि अगर हमारे मान लो इस पेज का देखना है तो पहले हमने इस पेज को मोड़ा बिल्कुल बराबर इसका सेंटर अगर हम ढूंढ रहे हैं मोड़ दिया राइट तो अब आपको क्या दिखाई दी ये लाइन दिखाई दे रही है यहां पर ये देखिए लाइन दिख रही है ना तो ऐसे ही लाइंस आपको सर्कल में भी दिखाई देंगी और जहां पर वो दोनों लाइंस आपस में मिल रही होंगी ठीक है ना वो उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा राइट ये आप प्रैक्टिस करेंगे एक पेपर पे सर्कल बना के उसे कट करके दिखाएंगे ठीक है अब नेक्स्ट था इसमें बैलेंसिंग एक्ट कि एक मंकी जो है प्लेट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने हाथ में तो वो व्यक्ति जितने भी सेंटर के नजदीक होगा वो उतनी देर दूर तक अपने आप को बैलेंस उतनी देर तक ज्यादा देर तक बैलेंस बना लेगा और जिसका जो फिंगर है वो सेंटर से जितनी दूर होगी वो उतनी जल्दी गिर जाएगा राइट right. अब इन्होंने क्या करा ऐसे एक बच्चे थे कुछ बच्चे उन्होंने सोचा क्या करें चलिए लट्टू बनाते हैं अब उन्होंने क्या करा ऐसे ही सर्कल कट कर लिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इन्होंने सर्कल्स को कट किए और अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर एक जो स्टिक है वो लगा दी हर एक बच्चे ने अलग अलग तो अब जाकिर और नैना का जो सर्कल था वो तो बिल्कुल ही नहीं घूमा एकदम से गिर गया और गुड्डू का जो था वो थोड़ी देर तक घूमा और अप्पू का सबसे ज्यादा देर तक घूमता रहा ऐसा क्यों क्योंकि जिसकी भी स्टिक सेंटर पे लगी होगी वो बैलेंस बना पाएगी और जिसकी स्टिक सेंटर से ज्यादा दूर होती चली जाएगी उसका बैलेंस उतना खराब होता चला जाएगा राइट ये चैप्टर था जिसमें हमने कैसे सर्कल को बनाया कैंपस की मदद से और कंपस की मदद से हम किस किस तरीके से, से उसके जो और डिजाइन है वो बना सकते हैं हमने वो सीखा अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर का रिविजन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हाफ एंड क्वार्टर्स यानी आधा और चौथाई किसी भी चीज का आधा या उसका चौथा हिस्सा आधे का मतलब दो हिस्से राइट right? और चौथाई का मतलब चौथा हिस्सा एक का मतलब पूरा का पूरा का right? राइट तो यानी कि जब आप किलो कोई किलो या लीटर की बात भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं किलो किलो मीन्स एक हजार ग्राम एक हजार ग्राम वन थाउजेंड ग्राम इज इक्वल टू वन के राइट right? अब या तो आधा किलो आधा किलो मतलब 500 हंड्रेड ग्राम्स आधा किलो या फिर हम बोलते हैं चौथा टर्म है वो है तीसरा टर्म है वो है पाव क्या है एक पाव पाव मतलब चौथा हिस्सा राइट right? तो अब यही है कहानी ये हमने बहुत बार सुनी है मंकी और उसकी किस तरीके से मंकी जो है बंदरों की हाफ हाफ करने के चक्कर में रोटी खा जाता है ठीक है ना अभी हाफ तो हमें पता चल गई कि सेंटर से हाफ मतलब क्या है कि ये जो हिस्सा है एक बड़ा एक छोटा इसका मतलब वो हाफ नहीं है अगर वो बिल्कुल इक्वल है आपस में जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि हाफ का मतलब क्या है कि बिल्कुल बराबर जब हम इसको एक के ऊपर एक रखे तो थोड़ा सा भी हिस्सा अलग बाहर नहीं जाना चाहिए देन इट इज कॉल्ड हाफ तब इसे कहते हैं आधा अब अगर टू कैट्स थी तो उनको आधा आधा मिल गया और अगर टू की जगह फोर हो जाएंगी और हमें बराबर बांटना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आधे में से दो उसको मोड़ देंगे इसको यहां से मोड़ देंगे इधर से आधा टुकड़ा एक को आधा टुकड़ा एक को दे देंगे फिर दूसरी वाली बिल्ली का जो हिस्सा बचा हुआ है आधा उसमें से भी इसे मोड़ देंगे तो एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये जो बचेगा ये हम बिल्ली को बाकी चारों बिल्ली को दे देंगे तो ये जो टुकड़ा है इसे बोलते हैं क्वार्टर ये है ये है हाफ और इसका जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्टर जैसे कि कि अब वो कहता है कि इसमें कितने पीसेस को हाफ करना है तो या तो हम इसे बिल्कुल बीच में से से यहां से तोड़ लें या फिर हम इसको लेकिन बीच में से निकाल लें तो वो हाफ हो जाएगा अब हाफ कई तरीके से हम कट कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि हम सेंटर से ही उसे काटे तो भी वो हाफ होगा हम इस तरीके की लाइन के साथ भी हाफ कर सकते हैं बस आपने इधर से इसको काटा ठीक है इसे पलट के इसके ऊपर रख देंगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए यानी कि जितना पेपर यहाँ गया उतना ही पेपर इस तरफ भी होना चाहिए डायरेक्शन ऊपर नीचे हो सकती है ठीक है ना तो ये दोनों भी ये भी हाफ है ये भी इसका आधा है बिल्कुल है ना तो इसी प्रकार अलग अलग मेथड से हमने हाफ करना सीखा कि इस शीट को रेक्टेंगल शीट को हाफ कैसे किया जा सकता है अब एक नई चीज आई हाउ मेनी मेनी वेज टू मेक क्वार्टर अब क्वार्टर को बनाने के क्या तरीके होते हैं क्वार्टर क्या होता है ये पहले हाफ और हाफ का भी हाफ यानी कि पहले हमने इसको ये पूरा रेक्टेंगल था इसको हमने यहां से मोड़ दिया ठीक है कहां से मोड़ा यहां से इस जगह से यहां से हमने इसे मोड़ दिया तो ये टू हो गए वन टू राइट ये हो गए दो ये हाफ हो गया ये वाला ये वाला इसका हाफ हो गया अब अगर हम इसको भी मोड़ दें यहां तो यहां से यहां तक ये यह बिल्कुल बराबर हो जाएगा ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बिल्कुल बराबर है ऐसी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बिल्कुल बराबर है तो ये जो टुकड़ा बचा वन फोर प्लस वन फोर प्लस वन फोर प्लस वन फोर इज इक्वल टू हो जाएगा कंप्लीट वन राइट ठीक है ऐसे ही वो कहता है कि ये रेक्टेंगल्स है अलग अलग इनको आपने अलग अलग तरीके से वन फोर में डिवाइड करने हैं तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन्हीं चीजों को कि रेक्टेंगल्स दिए जा सकते हैं और आपसे कहा जा सकता है कि इनको इनके क्वार्टर के हिसाब से मोड़ो अलग अलग तरीके से या हाफ के मोड़िए अलग अलग तरीके से अब ये था केक कटिंग मेथड अब केक क्वार्टर को समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये केक कटिंग मेथड एक केक था ठीक है ना ये बच्ची ने केक काटा एक हिस्सा उसने अपने लिए एक अपने पापा के लिए एक अपने दद्दा के लिए भाई के लिए और एक खुद के लिए ठीक है ना अब उसके लिए क्या करा उसने सबसे पहले चार हिस्से करे तो चार हिस्से तो बहुत तरीके से तरीक तरीक हो सकते हैं लेकिन अगर बराबर करने हैं इक्वल अगर हाफ करेंगे तो ही वो बराबर होंगे हाफ होंगे या क्वार्टर होंगे अदरवाइज वो हाफ और क्वार्टर नहीं होंगे राइट अब उसको बराबर काटने के लिए क्या करेंगे क्या करा उसने सेंटर से कट करा तो दो टुकड़े हो गए फिर उन्होंने उसको आधा आधा उसने कर दिया तो सबका चारों का बराबर बराबर हिस्सा जब उसके चार टुकड़े हो गए अब रजनी की मदद ने अब कैसे करा अब क्योंकि ये बराबर है तो इसलिए क्या होंगे वन बाई फोर ये पीस है वन बाई फोर ये पीस है क्योंकि हाफ है हाफ को भी दो हिस्सों में कर देंगे तो वन बाई फोर और ये भी हाफ है तो वन बाई फोर और वन बाई फोर राइट right. अब क्या करा कि जो रजनी की मम्मी थी उसने भी अपना जो केक है वो रजनी को दे दिया यानी कि अगर हम कहें कि ये पूरा का पूरा जो शेड था ये वाला अभी आ गया रजनी के पास अभी रजनी के पापा का ये रजनी की भैया का राइट right. तो इसका मतलब क्या है कि टू बाई फोर तो कहता है कि आउट ऑफ फोर पार्ट्स रजनी विल गेट अब फोर पार्ट्स में से रजनी को कितने मिल गए टू पार्ट्स मिल गए ना उसकी मम्मी का भी और उसका भी तो कहता है विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक वो किसके बराबर है यानी कि उसे उसके पास कितना केक हो गया अब आधा तो कैसे सो वी राइट टू अपॉन फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू क्यों है टू अपॉन टू ये जब लास्ट वीक रिविजन क्लास हुई थी तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अब इसको टू से डिवाइड कर देंगे टू वन जा टू और टू टू जा फोर तो सबसे छोटी संख्या है वो लिखते हैं वन अपॉइंट टू यानी कि क्या निकल आया ये हाफ तो ये दो के, के पीस क्या बन गए हाफ बन गए अब इसी प्रकार वो कहता है कि बिफोर रजनी मदर गेव हर शेयर टू रजनी शी हैड ओनली हाफ वो कहता है कि जब रजनी की मम्मी ने रजनी को केक दिया उससे पहले रजनी के पास शी हेड ओनली हाफ ऑफ हाफ द केक उसके पास कितना था आधा था आधे केक का हाफ ऑफ द केक आधा था आधे केक का तो यानी कि कितना था वन अपॉन फोर कितना था वन अपॉन फोर ऑफ टोटल केक अब कितना हो गया रजनी के शेयर को कलर कर दिया इसी प्रकार वो पूछता है कि हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टूगेदर गेट अब रजनी और राजू ने मिलकर कितने हो गए यानी कि हाफ कितने पार्ट हो गए वन टू थ्री तो ये क्या हो गया हाफ प्लस वन अपॉइंट फोर हाफ तो ये हो गया केक जो रजनी का है और ये राजू का भी जोड़ दिया हमने प्लस वन अपॉइंट फोर इसके लिए हमने आपको बताया था इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ये टू है ये फोर है तो पहले वर्ड लिख देंगे फोर तो टू बन जा अब इसको तो इसको लिख दिया फोर अब ये तो टू है तो यानी कि टू का टेबल कहां तक पड़ेंगे फोर तक टू टू यानी कि यहाँ भी उसका टेबल भी टू तक पड़ेंगे इसका भी टू तक टू टू जाएगा टू वन है ही इसको लिख दिया हो गया तीन हिस्से वन प्लस फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर इजिकल टू थ्री अपॉन फोर या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर सकते हैं राइट बताया था क्लास में गुड ग्रीडी कुंडू अब ये भी था कि भाई इसमें क्या था कि एक बार कुंडू पंपकिन खरीदने जाता है और वो पूछता है कि कि भाई भाई से पूछता है कि भाई कितने का है तो कहता है कि एक पाओ एक क्वार्टर जो है यानी कि अगर हम चार हिस्से करेंगे तो उनमें से अगर एक हिस्सा आप लेते हैं तो पंपकिन है दस रुपए का तो इसका फुल पंपकिन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी जब एक की वन पॉइंट की टन है तो वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर यानी कि चार वन पॉइंट कितने टाइम्स है फोर टाइम्स वन अपॉइंट कितने टाइम्स है फोर टाइम्स तो 10 रुपीज, तो ऐसे कितने टाइम्स टाइम्स हो हो जाएंगे फोर ये गया 40 रुपीज का राइट अब नेक्स्ट है कि फर्स्ट पंपिन सेलर ने ऐसा कहा तो उसने कहा कि नहीं भाई मुझे तो दस रुपए में आधा किलो दे दो हाफ दे दो तो उसने कहा आगे चले जाओ अब उसने उससे पूछा सेकंड पंपकिन वाले से कि भाई आधा कितने का है तो वो कहता है कि दस रुपए में हाफ कितने में दस रुपए में हाफ यानी कि हाफ और हाफ पूरे कद्दू की कीमत कितनी होगी टेन प्लस इजिकल है ना इसी प्रकार ये क्वेश्चंस आगे दिए हुए साथ में हमारे को ये दिया हुआ है कि एक लिस्ट है टमाटो की कीमत इतनी है पोटैटो की इतनी है अनियन की कितनी है कैरेट की इतनी है और पमकिन की, 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 की इतनी है ये क्वेश्चन पूछे हैं उसने कि हाउ मच इसी तरीके से आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आधा किलो टमाटर की कॉस्ट कितनी होगी टमाटर एक किलो इतना है कितने का एट रुपीज का तो आधा किलो कितना होगा यानी कि वन के के लिए एट रुपीज तो हाफ के जी के लिए क्या होगा वेरी गुड आधा कर देंगे इसको फोर रुपीज राइट right? ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन को करके पढ़ेंगे ध्यान से और उसके आंसर देंगे फिर ये प्रैक्टिस टाइम था कि अलग अलग तरीके से कैसे अब जो पिक्चर दी हुई है इसका मतलब क्या है ये कितना हिस्सा कलर किया है वेरी गुड हाफ इसमें क्या है ये भी हाफ है अब इसमें आपको कहा है नीचे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इस तरह से कलर करके दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि लिखिए पर इसमें आपको कहा है कि आपने उतने हिस्से को कलर करना है राइट right? ऐसे कहता है कट द हाफ इसको बिल्कुल आपने लाइन डालने की कहा से बराबर कट जाएगा ऐसे ये मैचिंग के प्रैक्टिस हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ ये भी कि इनको पूरा करिए राइट right? अब वो कहता है हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर एक मीटर का हाफ कितना होता है और एक मीटर का क्वार्टर कितना होता है चलिए ये देखते हैं कहते हैं मीटर स्केल को करते हैं और कट अ स्ट्रिंग ऑफ वन मीटर आप मीटर स्केल पर नापकर एक स्ट्रिंग को जो एक रस्सी को ना एक मीटर काट लीजिए उसके बाद कहता है वन दिस स्ट्रिंग एक थ्री फोर्थ मीटर और इस स्ट्रिंग पे अलग अलग मार्किंग कर दीजिए आधे की वन फोर्थ की और थ्री क्वार्टर की और अपनी शुरू कर दीजिए कहीं पर भी काउंट करना क्योंकि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं कितने होते हैं एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर तो आधे में कितने होंगे फिफ्टी सेंटीमीटर और उसके आधे में कितने होंगे यानी कि एक क्वार्टर नहीं, इसका आधा वन अपॉइंट टू का आधा तो फिफ्टी का आधा ट्वेंटी फाइव अब ऐसे ऐसे तीन हो जाए थ्री क्वार्टर ट्वेंटी एंड वन अपॉन फोर वी गेट थ्री अपॉन फोर जब हम वन अपॉन टू अब देखिए इसने क्या था वन अपॉन टू यानी कि फिफ्टी ठीक है ना और वन अपॉइंट फोर इजिकल टू ट्वेंटी फाइव यानी कि जब हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो थ्री अपॉइंट फोर आता है और उसका आंसर आता है सेवनटी ठीक है अब उसके लिए क्या करा उसने वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट फोर अब इनको प्लस करने का क्या तरीका है कि पहले ये देख लीजिए दोनों बराबर हैं कि नहीं है अगर ये बराबर नहीं है तो पहले इसको बराबर करते हैं हम इसे फोर लिखते हैं जो बड़ा संख्या है ठीक है अब टू के टेबल में फोर आता है ठीक है ना यस आता है तो टू वन जा फोर तो यानी इसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से हम कर देते हैं टू टू जा फोर बराबर हो गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा टू वन जा टू अब फोर के ऊपर फोर तो ये फोर ही है इसलिए अब हम इसको एज इट इज लिख देंगे प्लस टू थ्री अपॉन टोर राइट चलिए अब ऐसे कहता है कि भाई आपका जो मिल्क की बॉटल है एक बॉटल है उसमें एक लीटर पानी आता है या दूध आता है एक लीटर एक लीटर के बराबर होता है वन थाउजेंड एमएल एक थाउजेंड एमएल अब वो कहता है कि उसको चार अलग अलग बोतल में बराबर बांटना है कितना बांटना है बराबर यानी कि एक लीटर में कितने होते हैं वन थाउजेंड तो फोर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे फोर से हम उसे डिवाइड कर देंगे अब हम फोर से कैसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे को तरीका डिवाइड करना में आता है ठीक है ना वन थाउजेंड को फोर से डिवाइड करेंगे तो पहले वन से तो नहीं डिवाइड होगा फोर तो हमने दो ले लिया टेन हो जाएगा तो फोर टू जाट एट आ गया टू आ गया एक जीरो नीचे उतार के यहां पे रख दिया तो 20 हो गया तो फोर 20 ये कट गया. पूरा का पूरा कैंसिल हो गया टू फिफ्टी एम एल यानी कि इन चारों बोतलों में टू फिफ्टी एम एल टू फिफ्टी एम एल टू फिफ्टी एम एल और टू फिफ्टी एम एल आएगा राइट right? अब वो कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह की दो बोतलें हैं और हमारे को किस तरीके से भरना है कि दो बोतलों में डालता है लेकिन पहली बोतल में थ्री अपॉइन फोर थ्री अपॉइन फोर मतलब तीन क्वार्टर कितने क्वार्टर है थ्री अपॉइन फोर मतलब तीन क्वार्टर अगर वो उसमें तीन क्वार्टर डालता है एक में और दूसरी में डालता है एक क्वार्टर तो कितना लगेगा तो अब क्या होगा एक क्वार्टर में कितने होते हैं टू फिफ्टी एम एल तो थ्री क्वार्टर में कितने होंगे थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे टू फिफ्टी फाइव को तो थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है सेवन फिफ्टी एम एल और एक क्वार्टर में ट्वेंटी टू फिफ्टी एम ठीक है ना तो इस तरीके से इन में भर जाएगा राइट ठीक इसी प्रकार से जब हम बैलेंस द वेट जब ये वाला करते हैं कि वेट को बैलेंस करते हैं तो जैसे हमने एक परे में दो किलो के बाट रखा तो दूसरे परड़े में दो किलो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा एक हम वन के का ले लेंगे और दो का दूसरा टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स और टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स के दो वेट, वेट तो टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस टू हंड्रेड फिफ्टी कितना हो गया फाइव हंड्रेड ग्राम्स फाइव हंड्रेड ग्राम्स और फाइव हंड्रेड ग्राम्स वन थाउजेंड ग्राम्स टू टू के जी ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे अगर हमें तीन पाव यानी लेने हैं. फोर है ना तो थ्री क्वार्टर्स लेने के लिए यानी प्लस एक टू हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स का राइट या थ्री टू फिफ्टी टू फिफ्टी ग्राम्स के ले लेंगे तो हमारा आंसर इसके बराबर हो जाएगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में अब एक है कि ये क्यों रॉन्ग है वाई इट इज रॉन्ग अब इन्होंने क्या करा इसकी एक रेक्टेंगल के फोर अलग अलग पीसेस किए और हाफ अब ये जो इन्होंने कलर किया हुआ है, ये इसका हाफ नहीं है हाँ ठीक है फोर पार्ट्स किए हैं लेकिन वो फोर पार्ट्स इक्वल नहीं है एक पार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है और थ्री पार्ट्स थोड़े छोटे हैं ठीक इसी प्रकार ये ट्राइंगल भी पूरा हाफ नहीं है क्यों क्योंकि इन्होंने इसको बिल्कुल सेंटर से बराबर ओवरलैप अगर हम इसे करते हैं एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो बराबर नहीं होता राइट right? तो बराबर होने के लिए जरूरी है कि एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो दूसरा बिल्कुल छुप जाना चाहिए नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम अब आपको प्रैक्टिस करनी है क्या है कि जैसे आपके पास सिक्सटी मैंगोज है उनमें से हाफ जो है वो पक गए हैं तो कितने है ऐसे मैंगो जो पके हैं पके हुए मैंगोज कितने होंगे तो अब हाफ मैंगोज ही पके हैं तो इसको क्या करेंगे सिक्सटी मैंगोज में से हाफ मैंगोज पके हैं यानी कि हाफ मतलब आधे पके हैं तो सिक्सटी का आधा कितना हो जाएगा थर्टी इसे निकालने का क्या तरीका है कि अगर सिक्सटी मैंगोज थे और हाफ हमारे पक गए हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने या फिर जो नीचे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि इसके सिक्सटी के नीचे भी हम वन मान लेते हैं टू को मल्टीप्लाई करा वन से तो टू आया और सिक्सटी को वन से मल्टीप्लाई करा तो सिक्सटी आया अपॉन टू राइट अब नीचे अपॉन टू का मतलब है इसे डिवाइड करना है अब 60 को डिवाइड करेंगे हम से राइट right? ठीक इसी प्रकार वो कहता 32 थे हाफ गर्ल्स हैं तो कितने बचे यानी कि हाफ बॉयज होंगे अब हाफ हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे फिर वही से मल्टीप्लाई करेंगे पहले या सीधे टू से हम इसे डिवाइड कर देंगे थर्टी टू को तो हमारा आंसर आ जाएगा और ठीक इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस भी हैं एक क्वार्टर है तो इसे फोर से डिवाइड कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा राइट थर्ड चैप्टर सेकेंड टर्म का है सिलेबस का वो है प्ले विद पैटर्न्स पैटर्न्स से कैसे खेलते हैं पैटर्न्स हमने पहले भी क्लासेस में किए हैं उन पैटर्न्स में क्या है ये ब्लॉक्स हैं और इसी ब्लॉक से अलग-अलग तरह के पैटर्न हमने बनाए हैं सेम सिंगल ब्लॉक है लेकिन उन्हें अलग-अलग तरीके से हमने डिजाइंस बनाए हैं ठीक उसी ब्लॉक को फोर बार हमने प्रिंट करा तो ये डिजाइन आ गया राइट right. और उसी ब्लॉक को इस तरीके से प्रिंट करा एक नीचे एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर तो इस तरह का हमारा डिजाइन आ गया ठीक इसी प्रकार आपको अपने ही कुछ पैटर्न बनाने हैं किसी भी ब्लॉक से ये पैटर्न हम ध्यान से देखेंगे एक लीफ फिर दूसरी लीफ इस तरीके से जोड़ी तीसरी लीफ नीचे फिर चौथी लीफ ऐसी ठीक इसी प्रकार सिंगल लीफ आ गई अब ऐसे ही आपको यहां बनाना है इस पैटर्न को ये पैटर्न है एक बार दो एरो ऊपर एक बार दो एरो दोनों ऊपर दोनों नीचे अब हो तीन ऊपर तीन नीचे अब क्या होगा चार ऊपर और चार नीचे फिर उसके बाद पांच ऊपर राइट इसे ग्रोइंग पैटर्न बोलते हैं बढ़ते हुए है क्रम में अब ये है पहले हमने ये वाले क्वार्टर को कलर करा फिर उसके नीचे वाले क्वार्टर को फिर उसके इधर वाले क्वार्टर को अब किसे करेंगे ऊपर वाले क्वार्टर को फिर उसके बाद वापस इधर वाला क्वार्टर जैसे ये वाला और फिर ये वाला आ जाएगा इधर राइट

एट सिक्सटी फोर एक हंड्रेड कम हो गए सेवन सिक्सटी फोर फिर हंड्रेड कम हो गए सिक्स सिक्सटी फोर फिर होगा फाइव फिफ्टी सिक्सटी फोर फोर सिक्सटी फोर थ्री सिक्सटी फोर ध्यान से देखेंगे और उस तरीके से इन्हें करेंगे पैटर्न को नाइन हंड्रेड एंड नाइन टू हंड्रेड नाइन थ्री हंड्रेड नाइन फोर हंड्रेड नाइन ऐसे ही आगे चलते जाएंगे और ऐसे ही आपका पैटर्न अपनी मर्जी से आपको बनाना था इस तरह के पैटर्न भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में अब इन्होंने एक पैटर्न बनाया एक रेक्टेंगल लिया उसके नाइन कॉलम्स बना दिए ठीक है थ्री रोज और थ्री कॉलम्स राइट तो अब कितने हो गए ये कॉलम्स हो गए नाइन कॉलम्स हम इन्होंने वन टू थ्री राइट फिर इसको थ्री को वापस लाए और वन और टू फिर एज इट इज लिख दिया फिर टू को यहां लाए और थ्री और वन ऐसे लिख दिया ठीक ऐसे ही आपने यहां पर ए बी सी बनाया कि पहले ए बी और सी लिखा फिर सी को हम आगे ले आए ए बी एज इट इज लिख दिया फिर हम बी को आगे सी और एज इट इज लिख दिया राइट अब ये है मैजिक पैटर्न इस मैजिक पैटर्न में हमने क्या देखा कि हमने वन से लेकर सेवन तक के नंबर इन कॉलम्स में डाल दिए कोई से भी मगर वो रिपीट नहीं होने चाहिए और उनको जो हम एड करते हैं एक लाइन को तो उसका आंसर आना चाहिए ट्वेल्व तो इन्होंने करा टू प्लस फोर ये लाइन रही है ना इनको एड करेंगे तो ट्वेल्व आ जाएगा टू प्लस फोर इजिकल टू सिक्स ट्वेल्व राइट अब इस वाली लाइन को ऐड करा फाइव और वन सिक्स और सिक्स ट्वेल्व इस वाली लाइन को ऐड करा तो थ्री प्लस फोर सेवन और फाइव ट्वेल्व ऐसे ही आपने वन से लेकर नाइन तक के कोई भी नंबर से डालने लेकिन जो लाइन है जो भी लाइन जा रही है वो फिफ्टीन होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं यह है हमारा नंबर टावर ठीक है सबसे पहले हमें नीचे से शुरू करना है हमारे पास कितने थे टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी तीन थे तो हमने पहले इन दोनों को प्लस करा आया थर्टी फिर इन दोनों को प्लस करा आया फिफ्टी फिर इन दोनों को प्लस करा ये आ गया एट्टी और इसी प्रकार हम इनको और इसको आपको करना है राइट right? अब अगला क्वेश्चन है द सेम सम रूल प्लस करने का वैसा ही रूल अब क्या है इन्होंने लिए कुछ डिजिट्स, 11, इलेवन 13, फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सबसे पहले इन्होंने इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया 16 प्लस आ ट्वेंटी सेवन अब उसके बाद इलेवन के बाद क्या आया ट्वेल्व और इधर का उधर से एक आगे बढ़ा दिया फिफ्टीन टिफ्टी टू ट्वेंटी सेवन थर्टीन प्लस फोर्टीन इजिकल टू ट्वेंटी सेवन हर बार वही आया जब हमने एक शुरू का और एक आखिर का लिया तो क्या हुआ ठीक इसी प्रकार हमारे को एक क्वेश्चन दिया था उसमें हमें अपनी मर्जी से कुछ डिजिट्स ढूंढने थे तो हमने ढूंढे ट्वेंटी थ्री ऊपर वाला पैटर्न जो है वही पैटर्न हमने यहां पर भी यूज करके डिजिट्स को एड करा तो आंसर सेम आया ऐसे ही ग्रोइंग पैटर्न है हमने क्या करा एडिशन के साथ वन प्लस टू प्लस थ्री इजिकल टू सिक्स फिर टू थ्री फोर टू थ्री फोर इक्वल टू नाइन और थ्री फोर फाइव इक्वल टू ट्वेल्व राइट ऐसे इन्होंने वन टू थ्री फोर टेन टू थ्री फोर फाइव फोर्टीन और थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल टू एटीन ऐसे ही कुछ आपको भी यहां पर ट्राई करना है क्या उसका आंसर आएगा यह है सीक्रेट मैसेज सीक्रेट मैसेज क्या है एक गुप्त संदेश गुप्त संदेश में क्या था हमने क्या करा कि एक गुप्त संदेश हमारे पास आया सेवन फिफ्टी फोर फिर ट्वेंटी इसके लिए इन्होंने क्या करा कि अल्फाबेट्स को एक नंबर दे दिया, अलग अलग जैसे कि इन्होंने लिखा कि जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जेड तक है उनको नंबर्स दे दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि अगर हमने एच एट बोला तो उसका मतलब एच हमने फिफ्टीन बोला तो मतलब ओ हमने ट्वेंटी थ्री बोला तो उसका मतलब आया डब्ल्यू तो अब ऐसे ही इन नंबर्स को लेकर के आपने गुड मॉर्निंग ये डिजिट आई और इसी प्रकार लेट अस डांस के लिए तो हमारा ये डिजिट आएगी और बाकी हमने लिखना था इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि अगर ए से लेके जेड तक 126 नंबर तक है तो आप कोई भी एक आपको बता दिए आप ना गुड नाइट बोल दिया है ना आई लव यू बोल दिया तो उसको आपको लिखना है इन सीक्रेट मैसेज के साथ और एक अलग तरह का सीक्रेट मैसेज क्या है कि हमने उनके नेम्स में या उन लेटर्स में हमने कुछ और लेटर्स भी ऐड कर दिए ठीक है ना इसमें हमने डिजिट्स को यूज नहीं करा बल्कि लेटर्स को ही लेटर्स में फंसा दिया और फिर हमने आंसर ढूंढा इसमें क्या करा इन्होंने कि वाई के बाद क्या आता है जेड ई के बाद आता है एफ और एस के बाद आता है टी तो यस के लिए उन्होंने एक एक डिजिट आगे वाला लिख दिया तो हमें यस समझ में आ गया कि इसकी यस yes, होगा ठीक इसी प्रकार इन्होंने अगर एक्स एफ खौली ने ये लिखा है हमने इसका आंसर ढूंढना है तो हम इसके एक्स के पहले बात क्या आएगा डब्ल्यू एफ के बाद ई e, तो वी आर फ्रेंड्स ये उसने लिखा है अब ऐसे यूज द सेम रूल इसी रूल को यूज करके आपने मीट मी ऑन द मून ठीक है इसको लिखना है तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कोई सीक्रेट मैसेज आप बनाइए ऐसे ही कुछ फ्लोर पैटर्न हैं ठीक है ना और कुछ और पैटर्न हैं आपने डॉट्स के साथ मिलाकर इस तरह से बनना है सर्कल कैसे बनेगा इसको किस तरीके से बनेगा ये कैसे पैटर्न हैं ये पैटर्नस आपसे आगे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उसी तरीके से आपको भी आगे ड्रॉ करना होगा राइट right, स्टूडेंट्स ये है टेबल्स एंड शेयर्स इस चैप्टर में हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना सीखेंगे राइट अब जैसे कि उसने दिया हुआ है कि कुछ श्यामा जो है एक लड़की वो फ्लावर्स को प्लांट करती है एक बार वो सीधे सीधे प्लांट करती है एटीन प्लांट्स हैं उसके पास और एक बार वो थ्री थ्री प्लांट्स की अलग अलग रोज बनाती हैं और एक बार एटीन की इक्वल इक्वल फ्लावर्स रखकर वो टू बेड्स बनाती है ठीक है ना जहां उसने एक रखा है तो एटीन टाइम्स वन वन जो है कितने टाइम्स है एटीन टाइम्स ठीक उसी प्रकार थ्री थ्री कितने टाइम्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो थ्री टाइम सिक्स टाइम्स थ्री और यहां पर नाइन जो है टू टाइम्स तो है तो नाइन है टू टाइम्स राइट तो इसी प्रकार यहां पर हमने लिख दिया था टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे हमारे एटीन अब आपसे क्वेश्चन कहा है कि फोर्टी एट प्लांट्स को आप किन किन तरीके से लगा सकते हैं अब जार का है कि एक उसके पास थर्टी जार्स हैं और उसने एक सेल्फ बनाई जिन्हें वो अलॉन्ग साइड सेल्फ में रखता है एक साथ टू रोज में तो यानी कि एक रोज में कितने हो गए फिफ्टीन दूसरी रो में भी फिफ्टीन ऐसी वो कहता है कि आप ड्रॉ करो हर एक सेल्फ को इसमें आपको हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो हाउ मेनी रोज आर देयर अगर आपके पास थर्टी जार्स हैं थ्री फिफ्टीन जार्स रखे हैं तो टू में हो गया अगर हम टेन टेन रखेंगे तो थ्री में और अगर हम फाइव फाइव रखेंगे तो सिक्स में इस तरीके से ऐसे बनता चला जाएगा अब एक दूसरा तरीका था कि टेबल्स को अच्छे से गिनने का कि टेबल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं अगर हमें सेवन का टेबल मुझे नहीं आता तो जो गुड्डू है वो उसे एक नया तरीका बताती है कि अगर आपको सेवन का टेबल नहीं आता तो आप फाइव का टेबल और टू का टेबल लिख लीजिए और उन्हें प्लस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा कैसे चलिए देखते हैं टू का टेबल एंड फाइव का टेबल और सेवन के टेबल के लिए क्या होगा टू प्लस फाइव फोर प्लस टेन सिक्स प्लस फिफ्टीन इस तरीके से आ गया ठीक उसी तरीके से बंटी भी उसको यूज करता है कि मैं उसे 4, अब 7 को प्लस कर लीजिए फोर प्लस थ्री भी होता है तो फोर का टेबल और थ्री का टेबल को हम लिख के हम सेवन का टेबल फिर से बना सकते हैं तो ये तो हो गया टेबल का ये सिर्फ 7 के लिए नहीं है किसी भी टेबल के लिए जैसा एट का है तो एट का टेबल अगर आपको निकाल नहीं आता तो आप फोर फोर के भी कर सकते हैं फाइव और थ्री का भी कर सकते हैं अब वो कहता है हाउ मैनी कैट्स ये क्या है मल्टीप्लीकेशन है कैसे अब वो कहता है कि भाई एक बार एक जो लड़की है गायत्री उसने अपने कैट्स को बॉक्स के अंदर रख दिया और बॉक्स के बाद उनके फेस नहीं दिख रहे थे अब उसने देखा कि उसे ट्वेंटी एट दिख रहे हैं तो टोटल कितनी कैट्स हैं बॉक्स के अंदर ये जानने के लिए कैसे पता चलेगा कि अगर ट्वेंटी एट लेग्स हैं एक कैट के कितने होते हैं फोर लेग्स राइट तो उसने कहा कि एट लेग्स मीन्स टू कैट्स तो ट्वेल्व लेग्स मीन्स थ्री कैट इसी प्रकार फोर कैट का मतलब वन एट कैट का मतलब टू ट्वेल्व का मतलब थ्री सिक्सटीन का मतलब फोर इस तरीके से करते चलाएं तो सो ट्वेंटी एट लैग्स मीन्स हाउ मेनी कैट्स या तो आप ऐसे करिए या सीधे सीधे आपको कर दीजिए कि एक लैग एक कैट के कितने होते हैं फोर तो फोर से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट के फोर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा फोर सेवन जे ट्वेंटी एट यानी कि सेवन कैट्स के कितने लैग हो जाएंगे ट्वेंटी एट लैग्स हो जाएंगे कैसे अब इसको उल्टा कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे सेवन कैट्स हैं एक कैट्स की फोर लेग टोटल कितनी हो गई ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन से समझिए और उसके बाद उसे करने की कोशिश करिए कहते हैं बिल्लू हैज हिज कैप्टिकन इन अ बॉक्स बिल्लू ने अपने चिकन को बॉक्स में रखा उसने काउंट करे ट्वेंटी एट लेग्स तो हाउ मेनी लेग्स मैनी चिकन्स आर देयर अब चिकन्स के कितने लेग्स होते हैं ये ध्यान से सोचने वाली बात है कितने लेग्स होते हैं टू अब उसने देखे तो ट्वेंटी कर देंगे टू तो से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा फोर्टीन राइट right? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यह है जंपिंग एनिमल ठीक है हमें याद है कि हमने पिछली क्लास में भी फ्रॉग के जम्प्स को देखा था और इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे अब वो कहता है ही टेकन जंप्स इफ ही इज एट थर्टी सिक्स अब जो कह रहा है कि जो फ्रॉग है वो थ्री स्टेप्स लेता है जब वो जीरो पे होता है अब उसने काउंट द जम्प्स ही टेक्स टू रीच 27. 27 पर पहुंचने के लिए उसे कितने जम्प्स लेने पड़ेंगे हम थ्री को थ्री से डिवाइड कर देंगे 27 को हम 27 को डिवाइड कर देंगे थ्री से तो आंसर आएगा थ्री नाइन जे ट्वेंटी सेवन यानी कि नाइन जम्प्स लेगा तो वो 27 पर पहुंच जाएगा ठीक इसी प्रकार थर्टी सिक्स जम्प लेने के लिए उसे कितने करने पड़ेंगे थर्टी सिक्स पर पहुंचने के लिए कितने जम्प करने पड़ेंगे थ्री से डिवाइड कर दीजिए और इफ ही हीट फोर्टी टू पर अगर वो है तो कितने जम्प्स वेरी गुड डिवाइड करके लिखते चले जाएंगे अब रैबिट क्या करता है फाइव स्टेप्स कूदता है तो फाइव को कैसे कर ट्वेंटी फाइव पे पहुंचने के लिए फाइव से डिवाइड कर दीजिए है ना और वो कहता है ही रीच डैश आफ्टर टेकिंग एट जम्प्स अगर वो एट जम्पस लेता है तो कहां पहुंचेगा तो एट से इसको अब एक जम्प्स पे फाइव तो एट जम्पस में कितना जाएगा वेरी गुड फोर्टी पर पहुंच जाएगा राइट right? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको जम्प्स बताने कि, कि रीच ट्वेंटी कि कितने जम्प्स लिए हैं वो बताया हुआ है अगर जितने जम्प्स लिए हैं तो कहाँ पहुंचेगा उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर पता है कि कहा पहुंचे हैं और कितने जम्प्स लगेंगे तो जहां पहुंचा है वहां से उसे डिवाइड कर देंगे और ये डिवीजन का प्रैक्टिस है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा फिर ऐसे ही क्वेश्चन डिवीजन का भी है कि उसमें क्या है कि एक दोस्त को कुछ सेल्स उसने इकट्ठे करे और अपने दोस्तों के लिए वो माला बनाना चाहता है और उस माला में वो ट्वेंटी नेक, एट नेक, उसमें सेल्स को रखता है और एक सेल सेल्स एक जो नेकलेस है वो बनाता है ट्वेंटी एट सेल्स की एक नेकलेस बनाता है उसने इकट्ठे किए हैं हंड्रेड एंड ट्वेल्व सेल्स तो अब ट्वेंटी एट की अगर वो एक माला बनाता है ठीक है तो कितने वाली कितने नेकलेस उससे बन सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे एक तो तरीका है कि माइनस करते जाएं बार बार और या फिर क्या तरीका है कि सीधे सीधे 112 को 28 से डिवाइड कर दें तो हमारे को आंसर आ जाएगा राइट और अगर वो कहता है कि वो तीन फ्रेंड्स के लिए उसे बनानी है ठीक है ना और वो 28 की एक है

देख सकते हैं इसी प्रकार कुछ और प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें ध्यान से समझेंगे रीड करेंगे और उसके बाद उसका आंसर करेंगे राइट right? अब वो कहता है कि जो गंगू हलवाई है वो स्वीट्स बना रहा है उसे ट्रे में रखता है वो इस तरीके से उन्हें रख देता है लेकिन एक बच्ची आती है वो कहती है कि मुझे फोर फोर पैक्स के बनवाने हैं अब वो कहते हैं आर देयर उस बच्चे को चाहिए ट्वेंटी थ्री स्मॉल बॉक्सेस चाहिए ट्वेंटी थ्री स्माल बॉक्सेस चाहिए और हर एक बॉक्स में कितने लड्डू होने चाहिए फोर तो टोटल कितने लड्डू चाहिए उसको ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर को तो आंसर आ जाएगा हमारा वो आएगा नाइन्टी टू ठीक है ना ट्वेंटी थ्री बॉक्स के लिए फोर टाइम्स अगर लड्डू फोर लड्डूस ट्वेंटी थ्री टाइम्स रखेगी तो आंसर आएगा नाइन्टी टू लड्डूज चाहिए जबकि जो आपका गंगू है उसने बनाए हैं कितने हर एक रो में कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और कितनी रोज है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट टेन जाए एट्टी उसके पास सिर्फ एट्टी लड्डूज हैं लेकिन उसको कितने चाहिए नाइन्टी टू तो यानी कि उसे और कितने लड्डू बनाने पड़ेंगे या कितने लड्डू कम है नाइन्टी में से एट्टी को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितने उसे चाहिए कितने उसके पास हैं उसको चाहिए नाइन्टी और है कितने एट्टी तो उसे और लड्डू कितने बनाने पड़ेंगे फोर ट्वेल्व राइट और इसी प्रकार ये प्रैक्टिस टाइम है प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से कि क्या है नीलू ने पंद्रह स्टोरी बुक्स खरीदी अपनी क्लास के लिए और उसके पास फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में तो एक बच्चे को कितनी बुक्स मिलेंगी या कितने बच्चे एक बुक्स को पढ़ेंगे अब क्योंकि फिफ्टीन स्टोरी बुक्स हैं फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं तो यानी कि एक बच्चे को एक बुक तो नहीं मिल सकती अब ज्यादा बच्चों को बुक शेयर करनी पड़ेगी उसके लिए क्या करेंगे फोर्टी फाइव बुक्स को पढ़ने के लिए फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स को कैसे शेयर करेंगे हम फोर्टी फाइव को 15 से डिवाइड कर देंगे 15 वन जाए फिफ्टीन फिफ्टीन टू जा थर्टी फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव यानी कि तीन बच्चे मिलकर एक बुक को पढ़ेंगे ठीक इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन से इन्हें ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो सॉल्व करने में अब कुछ बच्चे मेले में जा रहे हैं वो अपने दादाजी से कहते हैं दादाजी हम मेले में जा रहे हैं हमारे को पैसे कुछ दे दीजिए हम मेले में मस्ती करेंगे कितने बच्चे हैं पांच जने राशि सीमा मृदुल रोहित और लोकेश पांच बच्चे हैं दादाजी कहते हैं मेरे पास सिर्फ सेवेंटी रुपीज है मैं आप में कैसे बांटूं आप बांट अगर आप बराबर बांट सकते हो तो बांट लो मुझे बता दो मैं सबको उस तरीके से बांट दूंगा लेकिन बराबर बांटने चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई पांच जनों में डिवाइड करने है, बांटने हैं सेवेंटी रुपीज तो डिवाइड करेंगे सेवेंटी डिवाइडेड बाई फाइव अब फाइव से हम सेवेंटी को डिवाइड करेंगे जो बुक में मेथड दिया है उसमें क्या कराएं सेवेंटी को सीधे पहले टेन टेन रुपीज ले लिया और उसके बाद ट्वेंटी रुपीज बचे तो ट्वेंटी को भी फिर फाइव से डिवाइड कर दिया वो फोर आया फाइव फोर या ट्वेंटी तो यानी कि बच्चों को मिल गए फोर्टीन फोर्टीन रुपीज हर बच्चे को राइट लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले सेवनटी है तो जीरो जीरो रहने देंगे सबसे पहले सेवन फाइव से डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है फाइव वन जा फाइव वन लिखेंगे ऊपर क्या लिखेंगे अगर हम ये सेवनटी है सेवनटी को डिवाइड करना है फाइव से ठीक है अब सेवन है सेवन डिवाइड हो जाएगा फाइव से अगर वो वन बार जाएगा तो फाइव बन जा हम लिख देंगे फाइव राइट अब इसे माइनस कर देंगे सेवन में से फाइव जाएंगे तो बचेगा टू ये जीरो उतर के नीचे आ जाएगा अब हो गया ट्वेंटी अब फाइव फोर जा ट्वेंटी यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया राइट right. अब यहाँ कुछ नहीं बचाना तो यानी कि फाइव जनों में फोर्टीन फोर्टीन बच्चे को बांट हम ले सकते हैं तो तो यानी हर बच्चे को मिला 14 रुपीज राइट right. तो जब भी कभी ऐसा हो हो कि आपके पास ऐसी डिजिट हो जो पहले वाले नंबर से डिवाइड हो जाती है या उससे माइनस हो सकती है तो उसको पहले ऐसे करेंगे इकट्ठे नहीं लेंगे राइट ऐसे ही प्रैक्टिस आपने इन क्वेश्चंस की करनी है एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे से अब कहते हैं स्टोरी प्रॉब्लम आपको स्टोरी की प्रॉब्लम भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है अब वो कहते हैं कि सृष्टि की जो ग्रैंड मदर है वो पूछती है कि एक प्रॉब्लम बनाओ क्या प्रॉब्लम है लुक एट द पिक्चर एंड मेक द क्वेश्चन ऑन इट ये पिक्चर देखो और उसमें एक आंसर आप इसका क्वेश्चन एक बनाओ तो वो क्या कहती है देयर आर थ्री कैरेट्स कैरेट्स होती है बॉटल्स रखने के लिए जो प्लास्टिक की ट्रे होती है तो कैरेट है और हर एक कैरेट में कितनी बॉटल्स हैं ट्वेंटी फोर कैंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और कितनी रोज है वन टू थ्री फोर तो सिक्स कितनी है फोर तो टाइम्स का मतलब ट्वेंटी फोर तो यानी कि एक रो में सिक्स है और कितनी रोज है फोर तो कितनी बॉटल्स हो गई ट्वेंटी फोर यानी कि ट्वेंटी फोर बॉटल्स का एक कैरेट है तो बताइए कि हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल इन सभी में कितनी बॉटल्स होंगी राइट right? तो ये क्वेश्चन बनाया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम बना सकते हैं हमारे पास ये राखी कह लीजिए आप ठीक है ना तो एक पैकेट में कितनी राखी है सिक्स यहाँ कितने पैकेट है वेरी गुड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो क्या क्वेश्चन क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मैनी राखीज आर देयर ऑल टूगेदर ठीक है ना कितने के कि कितने सारे के सारे राखियां होंगी ठीक इसी प्रकार नीचे दिया हुआ ये क्वेश्चन आपको बनाने के लिए पूछे जा सकते हैं इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन समझने में उतनी आसानी होगी अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ जाएगी तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे राइट तो कीप प्रैक्टिसिंग कीप इंजॉइंग आज के लिए इतना ही टेक केयर गुड डे आई होप यू एंजॉयड our video. Thanks for being with us.